हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आपकी जो क्लास चल रही है यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट की कंबाइंड क्लास चल रही है, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ये मत सोचिए कि जो मैंने तीन बोला यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट, इनके लिए ही है। अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं टीचर वाली, जैसे कि अगर आप राजस्थान की देखें रीट वगैरह, या फिर ऐसे बात करें तो एमपी टेट, जिसे वर्ग थ्री भी बोलते हैं, तो अलग मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बेसिक जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिक नहीं है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो उनको हम एकदम स्टार्टिंग से ही आपके लिए ला के आते हैं, जो कि आपके लिए विशेष हेल्पफुल होते हैं। क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में छोड़ना नहीं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। देखो, इसमें एक प्रकार से हमें ये देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, विच इज लार्जर एंड विच इज स्मॉलर, ये हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है। अब यहां से समझिए, कह रहा कि 1/2 और 1/6 में कौन बड़ा है, यहां पर यही पूरी कहानी चली है पूरे में। अगर आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ए होगा, ये सत्य है, यही सही है, बाकी सभी क्या है, असत्य है। ये देखो रीजन क्या है, कैसे जानेंगे, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई दो भिन्न है जिनका हर बराबर है, तो हम मतलब इसको आसानी से बोल सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको ऐसे मान लो कि 3 रुपए है, रुपए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लड्डू मान लो, 3 लड्डू है, उसमें 4 लोग खाने वाले हैं, इसमें 5 लड्डू है, 4 लोग खाने वाले हैं, तो आप खुद समझ लो कि किसमें ज्यादा ज्यादा लड्डू खाने को मिलेगा। भैया इसमें 3 ही है, 4 लोग खाने वाले हैं, इसका मतलब एक भी नहीं मिलेगा, 1 लोग को उससे भी कम मिलेगा। इसमें 5 है लेकिन खाने वाले 4 ही हैं, इसमें 1 से ज्यादा मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं इसमें ज्यादा मिलेगा, ये हम इसमें क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि खाने वाले बराबर हैं। लेकिन इसको हम तब भी क्लियर कर पाते अगर यहाँ पर ऐसे बात करें हम कि लड्डू की संख्या बराबर होती, तब भी आसान था। यहाँ पे 5 लड्डू है, 7 खाने वाले, यहाँ भी 5 ही लड्डू है, खाने वाले 9 है, यानी लड्डू तो बराबर है लेकिन खाने वाले ज्यादा कम है ना, तो यहाँ पर भी आप आराम से बोल सकते हो कि भैया ये कौन है, ये ज्यादा, इसमें ज्यादा मिलेगा क्योंकि खाने वाले कम है इसमें, और इसमें ज्यादा है इसलिए इसमें कम मिलेगा। तो बस इसी के आधार पे आप कह सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका एक छोटा सा एग्जांपल, लेकिन इनमें तो कुछ अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, इसलिए मैंने आपको बेसिक से बताया, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए, ये उन प्रकार की दो भिन्न थे जिनके हर बराबर थे या फिर अंश बराबर थे, दोनों में से कोई एक बराबर था, तब आपको कंपेयर करने में आसानी हुई। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें कुछ अलग है बिल्कुल। देखो कैसे, जैसे मान लो 4/3 यहां पर 3 और इसको 3/2, इनको हल करने के 2 तरीके हैं, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों के हर अंश सब अलग अलग है, इसमें 4 है अंश, इसमें 3 अंश है, इसमें 3 हर है, इसमें 2 हर है, दोनों अलग अलग है, सब अलग अलग है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे 3-3 तो बराबर है, अरे यार तुम इसमें 5 कर लो ना, लो सब अलग हो गए ना। इसमें 2 तरीका, पहला तरीका इनको आप भाग कर लो, इसमें आप भाग करोगे 0.8 आएगा, दशमलव में भाग कर लो, इनको भी भाग कर लो, दूसरे आप भाग करोगे 2 * 2 1.5 आएगा। यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हो, इसका मतलब हुआ 80 पैसा, हाँ, इसका मतलब हुआ 1.5 रुपया, तो आप ऐसे समझ जाओ कि 1.5 रुपये ज्यादा है कि 80 पैसे ज्यादा है, कह सकते हो 80 पैसे कम है, 1.5 रुपये ज्यादा है, यानी ये भिन्न बड़ी है ये छोटी है। लेकिन कुछ लोगों को ये भाग वाला दशमलव भी नहीं आता, ये चीज नहीं आती, वैसे तो आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, देखने के बाद आप कर लो, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। भिन्न छोटी है कौन बड़ी है उसके आधार पे, चूंकि हम एक कुछ सवाल तो एक ही करवा रहे हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चा समझो, यहाँ पे जैसे ये 3/2 था ना, इनमें हम एक काम कर सकते थे, एक काम क्या कर सकते हैं पता है, देखो हम दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम ले सकते हैं, इसमें 2 है इसमें 5 है, 5 2 का एलसीएम लोगे 10 होगा, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो कमेंट करना, बता दिया जाएगा, तो जो एलसीएम है उसको नीचे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इसमें भी एलसीएम नीचे लिख देंगे दोनों में। अब समझिए, जो एलसीएम आया है उसमें पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे, हर मतलब 5 से, 5 से 10 में भाग करोगे 2 आएगा, जो 2 आएगा भागफल उससे इसके अंश में गुणा करना, तो 2 * 4 = 8, वही तरीका नीचे भी करोगे, 10 में 2 से भाग करोगे बच्चा 5 आएगा, 5 * 3 में गुणा करोगे तो 15, यानी अब हम ये कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि भैया यहाँ पर देखो
8 लड्डू है, खाने वाले 10 है, यहाँ पर बच्चा 15 लड्डू है, खाने वाले 10 है, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि भाई देखो लड्डू यहाँ पे ज्यादा है, खाने वाले उतने ही है, यहाँ पर भी खाने वाले उतने ही है, लेकिन लड्डू तो आधा है, तो ज्यादा किस में मिलेगा? जिसमें ज्यादा भैया माल रहेगा उसमें ज्यादा ज्यादा खाने को मिलेगा, है ना? ये समझना थोड़ा आसान होगा, नहीं तो अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि खाना पीना तो छोटा बच्चा से बड़ा तक सर कोई जानते हैं ना। चलो तो ये आप सब गए, अब हम मेन सवाल पे बात कर लेते हैं, जो भी सवाल हमें करना था। वैसे उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। देखो अरे ऐसे समझ लो, इनको 1/2 और 1/6 में कंपेयर करना है। 1/2 और 1/6 का मतलब क्या है आप जानते हो कि नहीं? सभी जानते हो ऐसे अच्छे से ना? अरे यार ऐसे भी अगर हर बराबर कर लो या ना भी करो तब भी आप समझ जाओगे। देखो कैसे, देखो कैसे 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 समझो, ऐसे भी समझ लो, 1/2 और 1/6। देखो इसमें अंश अंश बराबर है, ऊपर के नंबर दोनों में बराबर है ना भाई, है ना बराबर? तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि इसमें 1 लड्डू में 2 खाने वाले हैं, लेकिन इसमें 1 में 6 खाने वाले हैं। अब सोचो जहां 1 में 2 है आधा आधा पा जाएंगे, जहां 6 है आधा भी नहीं पाएंगे, मतलब कम मिलेगा ना, तो कम मिलेगा मतलब ये बड़ा है, बस हो गया। ऐसे समझ लो, दशमलव में बदलोगे तो ये पॉइंट में आएगा, 0.5 लगभग आएगा, और वो 0.0 के लगभग, मतलब बहुत छोटा आएगा। ठीक है, भाग करके देख लेना। तो इसमें सत्य की अगर बात करें, जिधर को ये लगा होता चिन्ह, इसका मतलब है कि वो बड़ा है, इस ऑप्शन का मतलब है कि 1/6 बड़ा, 1/2 छोटा है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए ऑप्शन असत्य है। 1/2 1/6 के बराबर है बिल्कुल नहीं है, यहाँ भेड़ के बराबर शेर नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा अंतर है, तो ये भी असत्य है। इसको जो दिया है हल करेंगे तो ये 3/2 = 1/6 आएगा, ये किसी भी तरह से एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये भी असत्य है, पहला वाला सही है। लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप। चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। देखिए ध्यान दीजिए, अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से समझना। देखिए आज आपका पार्ट नंबर 19 है ये, ठीक है? इसके पहले जितने बच्चे पर पीछे के 18 पार्ट नहीं देखे उसको जरूर देख लें, और उनको हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, और अगर आपने PBR स्टडी ऐप में कोर्स लिया तो आपको पूरा मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे क्या है। कह रहा है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, सबसे बड़ी? सभी के अंश और हर सब अलग अलग है, हम एक काम कर सकते हैं, सभी के हर बराबर कर सकते हैं, बिना बराबर किए हम नहीं समझ सकते, या फिर दशमलव में बदल दे तब बदल सकते हैं ना। देखो इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 7, इसमें 5, यानी हमें पता है कि जितने भी हर हैं वो 7 और 5 ही हैं, तो इनका अगर LCM करोगे तो 35 आएगा। LCM आप करके देख लेना और फिर बताना मुझे, ठीक है? 35 में बच्चा अगर 7 से भाग करोगे 5 आएगा, 5 का 3 में गुणा करोगे 15, इस तरह से इसमें भी होगा, 5 से भाग करोगे 7 आएगा, 7 का 3 में करोगे 21, और यहाँ भी क्या आएगा, 35 ही आएगा, 7 से करोगे 5, 5 × 10, इसमें भी 5 से भाग करोगे 7, 7 × 14, तो ये आपके सब बराबर हो गए। अब इसमें अगर हम बड़ी छोटी भिन्न की बात करें तो जिसके भी हर सबसे बड़े हैं वो भिन्न सबसे बड़ी है, तो 15 है, 21 है, ये 10 है, ये 14 है, यानी हम कह सकते हैं 3/5 सबसे बड़ी भिन्न है। और अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करें इसमें, तो देखो ये इसमें 2/7 सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है? अब सभी को आ जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सभी के हर बराबर है और अंश जिसका भी बड़ा है वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका भी छोटा है वो क्या होगी बच्चा, वो छोटी भिन्न होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए, तो फिर हम आगे चलते हैं, अगला सवाल की बात करते हैं। लिख लो जल्दी से भाई, लिखने बिल्कुल भी चूकना नहीं, मैं सामने से हट जाता हूँ। आपका बिल्कुल HD का क्वालिटी का कैमरा भी आ गया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैमरा है, उससे भी आपकी क्लासें जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। बस आप लोग एक काम करा करो कि आप लोग क्लास को रेगुलर देखा करो, ठीक है? अभी तो मोबाइल फोन से ही हो रहा है। चलिए करक भिन्नो, इनमें जो भी ये फ्रैक्शन दिए गए हैं इनका असेंडिंग ऑर्डर का ये सही कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें से? देखो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1, 2/9, 1, 3, 5, 8, 3, 4, इसमें से कौन सा ऐसा सीरीज है जो करेक्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में? देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, चीज़ों को पहले समझनी होगी कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, तभी तो आप इसमें छोटा बड़ा निकाल पाओगे, अन्यथा आप नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो काम क्या है कि 9, 8, 3, 4 का आपको LCM निकालना होगा। हम जानते हैं 9, 8 और 3, 4 का अगर LCM करेंगे तो हमें पता है 3 से ये भी कट जाएगा, वो भी कट जाएंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9 ना, यानी 9 इनका हो जाएगा, एक प्रकार से 9 आ जाएगा, और वो 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी 8 आ जाएगा, 9 × 8 = 72। आप करके देख लो 72 के आएंगे इनके LCM आएंगे ना, करके देखना और फिर मुझे बताना।
तो 72 के अकॉर्डिंग अगर हम करें, इनको बराबर करने की कोशिश करें, तो कितने हो जाएंगे? देखो ऊपर साइड में एक नई बिंद का सीरीज बना दे रहा हूँ, 72, ये पहली बिंद के लिए है, ये दूसरी के लिए है, ये तीसरी के लिए है, ये चौथी के लिए है। ये चीजें आपको करनी होंगी, मतलब सभी बिंद को बराबर दिखाना होगा, इसमें समझना होगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए इस तरह से अगर आप कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अब ये छोटी बड़ी बिंद निकालने में आसानी करेंगे, है ना। इनमें आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16, 45, 24 और 54 में सबसे छोटा कौन है, आप बिल्कुल बड़े आराम से बता सकते हो प्यार से कि सबसे छोटा 16 है। तो भैया आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले होता, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब हम ऑप्शन में चलते हैं कि सबसे छोटा वाला ऑप्शन में किस में से सबसे पहले है। ये आता है 2/9 की जगह पे 16/72, यानी कि 2/9 जिसमें पहले होगा वही ऑप्शन सही हो सकता है। तो 2/9 इसमें है, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल पूरी तरह गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन पे चले तो ये भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, ये भी कभी सही नहीं हो सकता है। लेकिन अब दो ऑप्शन इसमें फंस रहे हैं, ये दोनों तो होंगे नहीं, सिर्फ एक ही सही होगा। और अब फिर कौन होगा भैया, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं आपको तुक्का थोड़ा शॉर्टकट के बारे में बताऊं तो उसको ध्यान से समझो। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 54/72, यानी 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है, चूंकि इससे यही भिन्न बनी है ना। हाँ तो इसमें देखो 3/4 दोनों में सबसे बाद में कस में है, तो इसमें सबसे बाद में, उसमें देखो बीच में, यानी वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हाँ या फिर वैसे भी आप करके देख लो, वही सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना। इस तरह से आप कंपटीशन में करोगे, इसका कोई ट्रिक नहीं होता कि ऐसे मैं आपको बता दूं, इस पर ट्रिक लगा लो, लेकिन सीटेट में इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं यूपीटेट में, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक मैथ बिल्कुल मजबूती से आनी चाहिए। जिन भी छात्रों को बेसिक गणित नहीं आती, लास्ट में मैं नंबर दिखाऊंगा, उस पर संपर्क करके वो ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो इनको जल्दी से लिख लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ऑप्शन वो 1 लगा देते हैं, बच्चा 1 पूरी तरह से गलत है, इसका आंसर 25 आएगा। देखो पहले गलती जहां करते हो मैं वो भी बताऊंगा, ये कौन सा 25 इसका ऑप्शन होगा सही, क्यों होगा ध्यान से समझिए। हमने पढ़ाया बोडमास रूल, बच्चे गलती कहां करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। देखो बोडमास रूल हमने पढ़ाया है, तो ये समझते हैं स्टूडेंट यही कि सबसे पहले भाग करते हैं बोडमास नियम में, वो यही जानते हैं बस। लेकिन उसके पहले भी दो चीजें होती हैं, एक ब्रेकट, एक ओ मतलब ऑफ, इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उनको महंगा पड़ता है। इस ओ का मतलब है ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिए गए क्वेश्चन में ब्रेकट्स लगे हैं तो सबसे पहले हम ब्रेकट हल करते हैं। ब्रेकट हल करने का मतलब उसके अंदर की सारी चीजों को एकदम लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब छोड़ेंगे। लेकिन अगर कोष्ठक इसमें है नहीं, देखो कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे फिर, ऑफ यानी का जहां लगा है उतने पार्ट को पूरी तरह से एकदम तोड़ मतोड़ के हल कर देंगे, फिर उसमें कोई गुंजाइश ना रह जाए, तब आगे बढ़ेंगे। तो यानी इसमें ब्रेकट तो है नहीं, लेकिन ऑफ यानी का वाला है, उसके बाद ही भाग का नंबर आता है डिवीजन। देखो बाद में तो डिवीजन में हाथ नहीं लगाना, 1/5 इसको हल करते समय देखो ऐसे 1/5 लिखोगे, भाग का चिन्ह ऐसे लगा दोगे, अब इधर बॉर्डर बदल गया, ये 1/5 को टच नहीं करना चूंकि इससे अटैच है। तो ये का मतलब क्या है इधर समझ लो बच्चा, मैं इतने की बात कर रहा हूँ। 1/5 का 1/5, देखो 1/5 का 1/5 का मतलब होता है गुणा। तो कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे वो 1/5 और गुणा का चिन्ह लगा के 1/5 लिख लेते हैं, फिर इधर पहले भाग कर लेते हैं फिर गुणा करते हैं, ये गलत है। इसको आप पूरी तरह से हल करो भाई, ये नहीं कि तुम एक चिन्ह लगा के लिख दो बस, नहीं। तो का मतलब गुणा, ये 1/25 आएगा, यानी इसको आप सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ पे आपको 1/25 लिखना होगा, ना कि चिन्ह लगा के छोड़ना है, इसलिए गलत कर देते हैं। नीचे ऐसे खींच दोगे, उसके बाद ध्यान देना इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, इनको दोनों को हम हल करेंगे तो 1/25 आ जाएगा और फिर भाग का चिन्ह 1/5, बस हो गया, यही फंस जाते हैं बच्चे। और इसका आंसर 1 आ जाता है, जो कि ऑप्शन में भी 1 दिया होगा। तो तुम लोग क्या करोगे, 1/25 में से एक सही कराओगे, 25 वाला सही 1 वाला गलत है। हाँ इसका उत्तर 1 होता तब जब यहाँ पे का की जगह गुणा का चिन्ह लगा होता, तब इसका उत्तर 1 आता, लेकिन गुणा का चिन्ह लगा होता तब, अगर वहां पे का लिखा है तो 1 नहीं आएगा 25 आएगा, दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं उसमें तो का बाद में बन जाता है, इसमें अगर का पहले से लिखा है तो अंतर कैसे होगा, बहुत बड़ा अंतर होता है उसमें, ठीक है। उसमें बाप बैठा है, उसमें बेटा है, तो बाप बेटे में अंतर होता है ना। चलो देखो ये 1/5 ऐसे लिख लोगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओगे, भाग का चिन्ह हटता है तो भिन्न पलट जाती है, तो ये जो ऊपर भिन्न है अंश जो है, अंश 1 है ना, तो अंश नीचे हो जाएगा, हर 25 है तो हर ऊपर हो जाएगा,
ये 1/25 वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, ये 5 और 1 है ना, 1 नीचे चला आएगा 5 ऊपर चला जाएगा, काट दो, ये 5×25 ये 5×25, देखो 5 और 1 बचा ना, ये 5 and 1 एंड ये देखो ऊपर क्या बचा 1 और ये 5, बीच बीच का गुणा बाहर बाहर का गुणा करोगे बच्चा 25/1 = 25 आंसर आएगा, है ना, कितना आसान। चलो जल्दी लिख लो, फटाफट जल्दी करिए, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, अगर आप PDR स्टडी Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, और हाँ हमें Unacademy Twitter Instagram हर जगह फॉलो करें जिससे कि आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें, हर जगह एक ही नाम है सिर्फ PDR स्टडी। ऊपर स्क्रीन पे देखिए आपको नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, फोन कॉल का भी नंबर है, इस पर इंक्वायरी करके आप पूरा कोर्स ले सकते हैं। अगर आप सीटेट का पूरा कोर्स एक साथ देखना चाहते हैं, जैसे आपको पूरा कोर्स दे दिया जाए, आप चाहे जहां पढ़िए चाहे जो चैप्टर पढ़िए, तो आपको फीस जमा करके कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, इंक्वायरी के लिए नंबर पर संपर्क करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री में पढ़ेंगे तो यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक करिए, पेज को लाइक कर दीजिए, आपको फ्री वाली क्लासें मिलती रहेंगी, लेकिन फ्री में आपको डेली एक एक छोटी छोटी क्लास मिलेगी, अगर आप पेड करोगे तो आपको इकट्ठा पूरा मिल जाएगा, और अगर किसी कारण से आपका कोर्स अपडेट नहीं होता है तुरंत जैसे आपने पेमेंट किया, तो आप नंबर पर इंक्वायरी करके अपडेट करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।